नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कई रंग की सब्जियां हैं और इसी सब्जी से हम लोग गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करेंगे। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं जब आपका मन करे। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है छोटे छोटे कटे हुए फूल गोभी है और थोड़े से पत्ता गोभी थे, थोड़े से हमारे प्याज है। अब इसके लिए हमने जो यहाँ पे लिया है दोस्तों, हरी धनिया और हरा मिर्ची, और चाहिए हमें थोड़ा सा इसके लिए बेसन। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है दोस्तों थोड़ा सा बेसन, और इस बेसन में हम डाल देते हैं पहले पत्ता गोभी, इसके बाद डाल देते हैं कटी हुई अपनी फूल गोभी। देखिए, सर्दियों का समय है और सबको बढ़िया सा पकौड़ा या टेस्टी नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना हम कई चीज को मिलाकर बना दें। और यहाँ पे अब डाल देते हैं कटी हुई प्याज। तो लीजिए, हमने प्याज भी डाल दिया है। अब दोस्तों डाल देते हैं इसमें ढेर सारा कटा हुआ धनिया और हरा मिर्ची, ढेर सारी हरी मिर्ची। तीखा कम आप खाना चाहते हैं तो कम डालिए, थोड़ा सा ज्यादा खाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए। अब लीजिए, इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा अजवाइन। यहाँ पे सर्दी का समय है, अजवाइन आप जैसे भी खाएं बेहद सेहत के लिए अच्छा है। और अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम खड़ा जीरा। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये लीजिए, हमने डाल दिया है लाल मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा है तो लाल मिर्ची को कम कर दिया। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका स्वाद आपको बहुत तीखा नहीं आता है। और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये लीजिए, हमने डाल दिया नमक, थोड़ी सी चाहिए इसके लिए हमें हल्दी, और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो लीजिए, यहाँ पे हमने सारे चीज को डाल दिया है और इस गर्मा गर्म नाश्ते को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब इस सारे बेसन को हम बिना पानी डाले ऐसे ही इसमें खूब अच्छे से मसलेंगे, क्योंकि जो पत्ता गोभी है वो भी पानी छोड़ेगा, जो प्याज है उसका खुद का पानी होता है। तो लीजिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे मसल देते हैं, और मसलने के बाद अगर हमें फिर पानी की आवश्यकता हुई तो थोड़ा सा पानी का पड़ेगा ही। तो सारी सब्जियों को मसलने के बाद दोस्तों हम हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे, बहुत पानी नहीं डालेंगे। अब इसके बाद फिर इसको हम लोग हल्के हाथ से इसको मसलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा हमारा जो सब्जी है ना बेसन में अच्छे से लिपट चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हींग। तो हींग से तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और भोजन में अगर जो भी आप चीज बना रहे उसमें मिला रहे तो उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो लीजिए, हमने सबको अच्छे से तैयार कर लिया है और एक साइड रख दिया है अपना ऑयल गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल हमारा बैटर तैयार है और दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी बिल्कुल गर्म है, तो थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे तो क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तो ये लीजिए, हम इसको गोल गोल बिल्कुल बड़ा बड़ा टिक्की तल लेंगे, पर ये एक बार में नहीं दोस्तों बनेगा, इसको इसकी तलाई भी जैसे मथुरा वृंदावन में दो बार कचौड़ी तलते हैं ना, सेम वही प्रोसेस हम करेंगे इस नाश्ते के साथ। यहाँ हमारा तेल गर्म है और हम यहाँ डाल दिए, ऐसे ही हम दूसरे को भी लेंगे और बड़ा सा टिक्की के तरह लेंगे, और इस बॉल्स को भी हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। लीजिए, देखिए डाल रहे हैं ना, और बड़ा सा एक और लिया और गोल किया और ऐसे हम इसको डाल देंगे, ऐसे एक दो और डाल देंगे। अब इसको जो हमने गोल गोल बॉल्स डाले हैं ना इस नाश्ते के, अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा दोनों तरफ से हम इसको पलट देंगे, और तेल बिल्कुल आप गर्म रखें क्योंकि इसको हमको दो बार तलना है दोस्तों। अब एक साइड से अच्छे से हो गया, इसको दूसरे साइड से भी हम थोड़ा सा इसी कलर का कर लेते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी इसका हल्का सा हमें टिक्के का आकार करना है। तो लीजिए, हमने यहाँ पे इसकी एक बार सिकाई कर लिया है और यहाँ इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस नाश्ते को अच्छे से निकाल लिया, देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे हमने रखा है पोलोथीन, ये सब छोटी सी, अब इस पोलोथीन पे ये थोड़ा सा गर्म होगा, हल्का सा हम इसको ऐसे ले लेंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे, ऐसे दबा लेंगे, ये बिल्कुल फटती नहीं है और ये बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी। देखिए, अंदर से बिल्कुल कच्चा इसमें से बेसन निकल रहा है। ये लीजिए, हमने इसको ऐसे किया और ये हो गया बिल्कुल बड़ा सा टिक्की जैसा नाश्ता। और इसको हम ऐसे लेंगे दोस्तों हाथ पे, देखिए ऐसे हमने हाथ पे लिया है। अब जाएगा एक गर्मा गर्म तेल में, और यहाँ पे तेल बिल्कुल हमारा गर्म है, और इसको हम डाल देते हैं ऐसे तेल में,
और ऐसे ही हम दबाएंगे फिर दूसरी टिक्की को। और यहाँ पे हमने फिर दूसरी टिक्की ली है और इसको भी ऐसे ही दबा देते हैं ये। और यहाँ पे आओ इस दूसरी टिक्की को भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है और एकदम कुरकुरी ये बनेगी और बहुत जल्दी बन करके तैयार भी आती है। एक साइड से देखिए ये बिल्कुल अच्छे से लाल हो चुकी है। इसको दोनों साइड से आप पलट करके और तल दीजिए। और देखिए ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल मिक्स सब्जियों वाला पत्ता गोभी फूल गोभी प्याज और सारे चीज मिलाए हुए ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म बिल्कुल कचौड़ी नाश्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसको अब हम लोग ऐसे ही दो को और तैयार करते हैं। हमारा बन करके नाश्ता बिल्कुल रेडी है और इस पे अब थोड़ा सा काला नमक छिड़क लीजिए। इसके साथ हरी चटनी अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं। और अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत लाजवाब हमारा ये बनकर के नाश्ता तैयार हुआ है दोस्तों। और बनाना बेहद आसान है, आप लोग इसको जरूर बनाएगा। तो दोस्तों आप लोग खा करके और जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमने जो आपको बनाना बताया नाश्ता कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।